अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में टिन टिन टिकट खरीद लेता है और वो जैसे ही वहाँ पर जाता है वहाँ पर बेसिन आ जाती है। लिन बेसिन को बोलता है, बेसिन तुम आ गई यहाँ पर। और वो अपने बहन से बोलती है, ये अभी भी गंदा दिख रहा है। उसकी बहन बोलती है सैना से को, फिर बेसिन लिन को बोलती है, मूवी अभी शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। लिन बोलता है ठीक है। लिन बोलता है यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इचिन बोलती है हाँ सही में बहुत ही अजीब लग रही है। फिर लिन उन दोनों को बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग कहीं पर भी बैठ सकते हैं, अब टिकट के साथ नहीं बैठना होगा, अब एक अच्छा सीट देख लो और बैठ जाओ। बे बोलती है हमारा मेन पर्पस मूवी देखना नहीं था। लिन बोलता है मैंने ये टिकट अपना अलाउंस से खरीदा है। बे बोलती है मैं आशा करती कि तुम इचिन के बॉडीगार्ड बनोगे। लिन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हाँ। बे बोलती है मुझे काम के लिए बाहर जाना है कुछ दिन, तो मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, जबकि तुम लिन फैमिली से हो तो मैं उसे लगता है कि तुम ताकतवर हो गया, तो मैं आशा करती कि तुम सुरक्षा करोगे इसकी जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। इचिन बोलती है बेशक हम तुम्हें पैसे देंगे। लिन बोलता है अच्छा तुम लोग क्या मुसीबत में हो, क्या तुम लोग कोई प्रोफेशनल बॉडीगार्ड को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है मैं सही में लिन फैमिली से नहीं हूँ, मैं कैसे इसका बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। इसीन गुस्से से बोलती है सिर्फ तुम हाँ या ना बोलो, तुम्हें इतना भाव देने की ज़रूरत नहीं है। लिन बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तुम लोग मुझसे छुपा रहे थे ये सब। लिन अपने मन में बोलता है अच्छा वो लोग मुझे हायर नहीं करेंगे अब। फिर उसी समय बेचिल्लाकर बोलती है इसीन भागो। एक आदमी बोलता है अभी भाग रहे हो, अभी तो मैंने तुमसे बात ही नहीं किया है, रुको थोड़ा सा ऐसे मत जाओ, मैं आखिरकार बे फैमिली की लेडीज लोगों से मिला हूँ, तुम दोनों सुंदर लड़कियाँ अपने रेपुटेशन के लिए जी रही हो, मैं सही में तुम दोनों को मारना नहीं चाहता हूँ। लिन अपने मन में बोलता है ये कौन है, ये इसे क्यों मारना चाह रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या कोई मूवी का शूटिंग चल रहा है क्या। वो आदमी बोलता है कैसा रहेगा तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। बे और इसिन बोलती है कैसा बकवास बात कर रहे हो तुम। वो आदमी बोलता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम दोनों को बना के रहूँगा, रुको थोड़ा पहले दर्द को सह लो फिर तुम कुछ बोल नहीं पाओगी। फिर वो आदमी अपने आदमियों को बोलता है उन दोनों लड़कियों को मारना मत, लेकिन वो लड़का जो खड़ा है उसे मार देना। दूसरी तरफ बे लिन को बोलती है लिन इसिन को बचाना। लिन बोलता है रुको मैं ऐसा नहीं कर सकता। बे चिल्लाकर बोलती है प्लीज़ इन लोगों से लड़ने के बाद मेरे पास कोई ताकत नहीं बचेगा इचिन को बचाने के लिए। फिर वो अपने बुक से एक बड़ा सा तलवार निकालती है, फिर वो अपने तलवार से सभी को मारने लग जाती है। दूसरी तरफ लिन ये सब देखकर बहुत ही घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है ये क्या चल रहा है, ये लोग सही में एक दूसरे को मार रहे हैं, ये लोग जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, ये लोग तो कोई कानून ही नहीं मान रहे। और फिर वो इचिन को बोलती है वही, इचिन बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर इचिन चिल्लाते हुए बोलती है हे तुम्हारे आगे देखो, आगे में एक आदमी खड़ा रहता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा रॉड होता है, उससे वो एक जोर से मारता है और वो जमीन में जाकर टकरा जाता है। ये देखकर बे और इचिन शॉक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ लिन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है बहुत ही दर्द हो रहा है, मुझे तो रोना आ रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर, ये दुख रहा है, ये सही में बहुत ही दुख रहा है, मैं उसे रोकने क्यों गया। इचिन शॉक होकर बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बे बोलती है लिन को तुम्हें कुंफू के अलावा कुछ नहीं आता है। लिन तुम सही में कुछ, उसी में वो आदमी आ जाता है और बोलता पीछे से तुम सही में डिस्ट्रैक्ट हो गई हो। वो आदमी उस पर हमला कर देता है लेकिन बे बच जाती है। फिर बे अपने तलवार से सभी को मार देती है। बे बोलती है इचिन भागो यहाँ से जल्दी से। लिन अपने मन में बोलता है ये सही में बहुत ही घायल है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बे मर जाएगी, मैं उसे मरने नहीं दे सकता, एक समय में एक ही टास्क आता है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा दूसरा नहीं आ सकता, अगर ये मर जाएगी तो ये बुक कोई काम का नहीं होगा। फिर वो आदमी बे को बोलता है तुमने मेरे सारे आदमी को मार दिए हो, मैं तुम सभी को मारूंगा, कोई आखिरी ख्वाहिश। लिन बोलता है रुको थोड़ा सा मुझे 5 मिनट का वक्त दो, मैं इन दोनों को तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मना लूंगा, अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे जाने दोगे। वो आदमी हंसते हुए बोलता है अच्छे लड़के हो तुम, जाओ इसे मनाओ। लिन बोलता है मुझे कुछ वक्त दो इन दोनों से बात करने के लिए। वो आदमी बोलता है कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। फिर लिन उन दोनों को कमरे में ले जाता है और बोलता है मैं बहुत ही डर गया था, अच्छा मेरी बातें ध्यान से सुनो। इसिन बोलती है हम लोग तुम्हारी बातों को कभी नहीं मानेंगे। बे बोलती है मैं तुम्हें समय दूंगी भागने के लिए, तुम सही में भाग जाना यहाँ से। इसिन चिल्लाकर बोलती है बहन। लिन बोलता है रुको ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया अभी तक, किसी को किसी के लिए मरना नहीं होगा। बे बोलती है तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम्हारे पास आइडिया कैसे हो सकता है, जल्दी से बताओ मुझे तुम्हारा क्या आइडिया। लिन बोलता है मेरे पास आइडिया है लेकिन उसमें एक कंडीशन है। इचिन बोलती है क्या कंडीशन।
लिन बोलता है, अच्छा बे मुझे तुम्हारा बूफ में किस करने दो प्लीज। ये सुनकर दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं। बे गुस्से से उसकी और तलवार तानते हुए बोलती है, मुझे सही में तुम जैसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम इसीन को बचा सकोगे। मैं तुम्हारे बॉडी के नीचे वाले पार्ट को काट दूंगी, तुम्हारे दिमाग में हर समय सेक्स ही रहता है। लिन बोलता है, शांत हो जाओ, मेरी बातें तो सुनो पहले। तुम बहुत ही होपलेस हो, तुम मेरे ऊपर कैसे बेट लगा सकती हो? तुम शायद मरोगी या उसका खिलौना बनकर रहोगी। हमारे पास समय बहुत ही कम है, मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय दूंगा। वे अपने मन में सोचती है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है। लिन काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, 3रा काउंट हो जाता है और अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये लोग तो मरना चाह रहे हैं। उसी समय वे बोलती है, ठीक है तुमने कहा कि तुम किस करोगे सिर्फ। इसी गुस्से से बोलती बे को, तुम्हें सही में लगता है ये कमीना हमारी मदद कर पाएगा? बे बोलती है, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं हर छोटे से चांस को खो नहीं सकती हूँ, मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए। लिन बोलता है, हे इतना रोने धोने का समय नहीं है। बे बोलती है, मुझे पता है हमारे पास उतना समय नहीं है, आ जाओ फिर। लिन अपने आप को तैयार कर लेता है और बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो कांपते कांपते उसकी मुब्स के इधर हाथ ले जाता है। जैसे वो उसे छूने जाता है बे बोलते हैं, नहीं उसे छूना मत, सिर्फ किस करो। लिन बोलता है, मैं भूल ही गया था कि मैंने क्या बोला हूँ। फिर वो बे से बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था। बे बोलती है, तुम आ रहे हो कि नहीं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। लिन बोलता है, ठीक है मैं किस करने जा रहा हूँ। बे शर्मा कर बोलती है, ठीक है जल्दी से करो। फिर बे उसके बूब्स को किस कर लेता है। फिर लिन बे को बोलता है, चिंता मत करो, मैंने जो प्रॉमिस किया है कि तुम लोगों को बचाऊंगा। फिर वो अपने फ़ोन में देखता है कि टास्क कंप्लीट हो गया और उसे 10 पॉइंट मिल चुका है। उसके पास अभी टोटल 12-20 ब्लॉसम पॉइंट है। फिर वो अपने फ़ोन में चेक करने लगता है, ये पॉइंट का मैं क्या करूँ। फिर उसे एक टेक्निक मिलता है जिसके लिए 10 पॉइंट लगता है और वो पावर होता है आयरन सैंड हाथ। ये हाई लेवल का स्किल है, इससे तुम ईटा पत्थर और आयरन तक को भी तोड़ सकते हो। फिर लिन जाते हुए बोलता है, समय आ गया लेडीज, मैं जा रहा हूँ। फिर लिन उन दोनों को कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। तो वो आदमी सोचता है कि ये तो मनाने गया था उन दोनों को। फिर वो आदमी लिन को बोलता है, इसका मतलब क्या है, तुम अकेले बाहर आ रहे हो? मैं उन दोनों को मनाने में फेल हो गया, लेकिन मैं उन दोनों को बचाऊंगा। फिर वो आदमी लिन का गला पकड़ के उठा लेता है और बोलता है, तुमने मेरा समय बर्बाद किया। वो आदमी सोचता है, इसका गला क्यों नहीं दब रहा है, इसका गला इतना सख्त क्यों है। फिर लिन अपना हाथ उसकी और धीरे धीरे बढ़ाता है। ये देखकर वो आदमी बोलता है, तुम उसे मजा कर रहे हो क्या? लिन बोलता है, तो ये बात है, मरो तब। फिर वो अपना आयरन सैंड हाथों से उस पर हमला कर देता है और बोलता है, यह आयरन सैंड हाथ है। फिर वो आदमी वहीं पर मर जाता है। लिन उन दोनों को बुलाता है और बोलता है, सब सेटल हो गया, बाहर आ जाओ। फिर उसकी और जाकर एक जोर से थप्पड़ मारकर बोलती है, सेमलेस कहीं क्या, तुम लड़ सकते थे, तो वो किस किस बात का था मुझे छेड़ने के। लिन बोलता है, मैं तुम्हें कभी छेड़ना नहीं चाहता था, ये मेरा अपना डिसीजन है। बे बोलती है, बहुत हो गया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, इससे तुम्हें शक्ति मिलती है क्या? इसी बोलती है, मुझे ये सब नहीं सुनना है, तुम जाओ यहाँ से। लिन बोलता है, ठीक है, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। बे बोलती है, तुम अभी भी बहुत काम के हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार जिंदा मार डालूंगी। लिन अपने मन में बोलता है, मैं ही वो वजह हूँ तुम अभी जिंदा हो।